तो देखो भाई लोग दौड़ रहे हैं, यहाँ लाइन लगी हुई है जाने के लिए। किधर जाना है कुछ समझ नहीं आ रहा है, कितने सारे लोग है भाई, लग रहा है पूरा चाइना आ चुका है। ना पब्लिक हॉलीडे है ना वीकेंड है, किधर जा रहा है भाई, सब यहाँ पे इतना केओटिक है। अब हम लोग आ चुके हैं ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में। जी हाँ, वेरी पिटी। I'm very sad. Hey guys, very good morning and welcome back to the new vlog. मेरा नाम है तोरवशु। अभी मैं हूँ चाइना की कैपिटल और चाइना की सेकंड लार्जेस्ट सिटी बीजिंग में। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। आज मैं जा रहा हूँ लार्जेस्ट मैन मेड प्रोजेक्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री को देखने। जी हाँ, आज मैं जा रहा हूँ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है। और ये चाइना में है और बीजिंग से काफी पास है। आप लोगों ने तो आई एम श्योर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम सुना ही होगा। पूरे चाइना में अगर लोग सबसे ज्यादा कहीं विजिट करते हैं तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को ही विजिट करते हैं। हर साल लगभग 10 मिलियन यानी कि लगभग 1 करोड़ लोग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को विजिट करते हैं। चाइना के साथ साथ ही पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ऐसा बोल सकते हो। तो अभी मैं वॉक करके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ, फिर वहाँ से मैं बस स्टेशन जाऊँगा जहाँ से मेरे को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का बस मिलेगी। तो मेट्रो स्टेशन आ चुका है, बाकी इन्फॉर्मेशन बाद में बताएंगे, यहाँ जल्दी जल्दी बताएंगे इतना मज़ा नहीं आएगा। सब लोग मेट्रो से बाहर ही आ रहे हैं, जहाँ कम लोग रहे हैं आज ज़्यादा लोग रहे हैं। मैं जहाँ रुका हूँ ना, एक्चुअली ये एक तरीके का सिटी सेंटर है, बहुत ही कमर्शियल हब है, एक तरीके का बोल सकते हो कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है। तो लोग बीजिंग के सारे पार्ट से यहाँ पर आते हैं जॉब के लिए, वर्क के लिए, जो भी इनका काम हो उसके लिए। देख सकते हो शाम को उल्टा हो जाएगा। देख लो भाई कितनी, सब लोग लाइन लगा कर ही खड़े हुए हैं, ये जाने का ये आने का, लेकिन इधर कोई नहीं आ रहा, कोई बैरिकेडिंग नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, फिर भी लोग एक तरफ ही हैं, कुछ लोग हैं। चलो ठीक है। बीजिंग मेट्रो 1971 में ओपन हुई थी, लगभग आज से 52 ईयर्स पहले, 50 साल पुरानी मेट्रो है बीजिंग की। तो ये मेट्रो आ गई, लेकिन मेरे को जाना है इस तरफ, और इधर की भी आ गई, सुबह शायद ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चलती है, फटाफट आ रही है। मेट्रो स्टेशन के बाहर आ चुका हूँ, वही 3 युआन लगे मेट्रो राइड के, अराउंड 35 रुपीज। और आप बीजिंग में कहीं भी हो ना, आपको इस मेट्रो स्टेशन आना है। इस मेट्रो स्टेशन का नाम है जी शुयाटन, नीचे लिखा होगा, आप लोग देख सकते हैं, यहीं से आपको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के लिए बस मिलेगी। तो देखो अभी मैं मेट्रो स्टेशन के अंदर ही हूँ, यहाँ लिखा हुआ है पैसेंजर्स फॉर बदालिंग ग्रेट वॉल, बस नंबर 877। तो यहीं कहीं से मेरे को बस नंबर 877 मिलेगी, जो मेरे को डायरेक्ट द ग्रेट वॉल लेके जाएगी। ये देखो, क्योंकि द ग्रेट वॉल दुनिया की सबसे लंबी वॉल है, उसमें कई सारे सेक्शंस हैं जहाँ पर विजिटर जा सकते हैं ग्रेट वॉल को देखने के लिए। तो मैं बदालिंग जा रहा हूँ, बदालिंग सेक्शन जा रहा हूँ, जो बीजिंग के सबसे पास है। बीजिंग से अराउंड 70 किलोमीटर है, लगभग 1.5 घंटे लगेंगे बीजिंग से बदालिंग सेक्शन पहुँचने में। यहाँ पे इतनी सारी बसेस, इतने सारे नंबर है, समझ नहीं आ रहा अगली कहाँ से मिलेगी, कोई से पूछ के पहुँचता हूँ एग्जैक्ट लोकेशन पे। बोल रहा रोड क्रॉस करना पड़ेगा सेट जाने के लिए। तो देखो भाई लोग दौड़ रहे हैं, यहाँ लाइन लगी हुई है जाने के लिए। 877 फिर से आ रही, बार बार आ रही है, तो बार बार लग रहा है जल्दी जल्दी फुल हो जा रही है, तो बैठना पड़ेगा। अभी तो मैंने टिकट नहीं लिया, टिकट कहाँ से लेना पड़ेगा, तो ये भी नहीं पता, टिकट यही मिल जा रहा है। ओके। तो चाहो तो आप लोग पहले ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो बस का, लेकिन यहाँ पे दे रहे हैं कैश, तो मैं ले लूँगा। हेलो, ग्रेट वॉल का ऑलरेडी मैंने एक दिन पहले ही एंट्रेंस का टिकट बुक कर लिया है, बस का तो यहीं से दे देता हूँ। अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि कैश टिकट मेरे को देंगे कि नहीं देंगे, इन्होंने कैश पकड़ा हुआ तो मेरे को लग रहा है कैश टिकट देंगे। तो ये 12 युआन का टिकट है, वन वे का है,
मेरे को लगा शायद 50 या 100 युआन का हो सकता है, लेकिन बहुत सस्ता है यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाइना में। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 70 किलोमीटर है ही, अराउंड 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। आई थिंक शायद हर 5 से 10 मिनट पर बस जा रही हो, पूरी फुल भाई, पूरी बस फुल। अब हम लोग 1 से 1.25 घंटे में 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पहुंच चुके हैं बादालिंग सेक्शन ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। बहुत सारे टूरिस्ट यार, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, पूरे चाइना के सारे प्रोविंस से यहाँ पे लोग आते हैं ग्रेट वॉल को विजिट करने। तो यहाँ पे यार बहुत सारी बसेस है जो कि पूरे चाइना के अलग अलग पार्ट से आई हुई हैं, हर जगह बस ही बस खड़ी हैं यहाँ पे। मौसम काफ़ी सही लग रहा है, बस बारिश ना हो, थोड़ा क्लाउडी टाइप का मौसम है आज, इतना गर्म नहीं है भाई। किधर जाना है कुछ समझ नहीं आ रहा है, एंट्रेंस टिकट वगैरह कहीं से लेना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हर जगह चाइना में बैग क्यों लिया रहता हूँ, रीज़न ये है चाइना में कहीं भी जाने के लिए ना एज अ टूरिस्ट आपको पासपोर्ट दिखाना है, कंपलसरी है। आप यहाँ सब जगह पासपोर्ट लेकर ही जाना है, लगे समझ लो घर से बाहर निकलना है तो बिना पासपोर्ट के निकलना ही नहीं है। टिकट दे, टिकट टिकट, नो नो इंग्लिश, कुछ यहाँ लग रहा है मेरे को टिकट ऑफिस, ये देखो। तो देखो यहाँ पे सब कुछ चाइनीज मैंड्रिन के साथ साथ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सब कुछ आप इजीली समझ जाओगे। 120 युआन बताता हूँ आपको ये क्यों दे रहा हूँ मैं। ओके ओके 120 ओके 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 दिस वे ओके। कितने सारे लोग है भाई, लग रहा है पूरा चाइना आ चुका है, ना पब्लिक हॉलीडे है ना वीकेंड है। यहाँ बोलते हैं पब्लिक हॉलीडे या वीकेंड पे आपको इतना रश रहता है, आज इतना रश लग रहा है मेरे को। देखो भाई सिर्फ पूरे चाइना के लोग हैं, पूरे चाइनीज़ है, फॉरनर यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि अभी कंट्री ओपन ही हुआ है, फॉरनर टूरिस्ट यहाँ पे आ ही नहीं रहे हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की एंट्रेंस टिकट है 40 युआन, लगभग हो गया 500 रुपये, लेकिन अगर आप ऊपर जाना चाहते हो, नीचे आना चाहते हो, तो लगभग 2 घंटे लगेंगे ऊपर जाने के और 2 घंटे लगेंगे नीचे आने के। बहुत भीड़ है भाई, बहुत, ठीक से बोला भी नहीं जा रहा है। तो आप ऊपर तक पूरा अगर ट्रैक कर सकते हो तो ठीक है, नहीं करना है, टाइम कम है, जो भी रीज़न है, तो फिर ये स्लाइडिंग कार है, इसका टिकट ले सकते हो। ये वन वे है, 80 युआन, अप एंड डाउन का है 120 युआन, मैंने इसको ले लिया है। तो 2 घंटे की जगह आई थिंक शायद 10-15 मिनट ऊपर पहुंच जाएंगे। टिकट 500 रुपये का, लेकिन ऊपर जाना नीचे आना 1500 रुपये का। किधर जा रहा है भाई, सब यहाँ पे इतना केओटिक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो शायद कहीं आगे ही जाना है, देखो यहाँ लिखा है एंट्रेंस टू स्लाइडिंग कार स्टेशन, तो चाहे आप स्लाइडिंग कार लो चाहे वॉक करो ऊपर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के लिए, तो दोनों ऑप्शन है। बीजिंग के पास ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के कई सारे सेक्शंस हैं, कुछ दूर हैं, कुछ पास है, कुछ काफी मेंटेन्ड है, कुछ कम मेंटेन्ड है, तो उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये हम लोग सबसे पास वाला किए, सबसे ज्यादा टूरिस्टी है, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग आते हैं, क्योंकि रीजन सबसे पास है बीजिंग से, पहला रीजन। दूसरा रीजन, ये सबसे ज्यादा मेंटेन्ड है, वेल प्रिजर्व सेक्शन है ये, और सारे सेक्शन थोड़े दूर है, उतने प्रिजर्व उतने मेंटेन्ड नहीं है। So guys, और हम लोग ये स्लाइडिंग कार के स्टेशन पे आ चुके हैं, जो सीधे हम लोगों को नीचे से ऊपर ग्रेट वॉल के सेक्शन पे लेके जाएगी। ये देखो स्लाइडिंग कार है, अच्छा सिंगल ऑक्यूपेंसी है, काफी लंबी है ये। ओ भाई साहब, लोग जा रहे हैं, देखो अभी हम भी बैठने वाले हैं, काफी लोग खुश हैं। हेलो देखो तो हर एज के लोग हैं, यंग भी है, एल्डर भी है, काफी बच्चे भी यहाँ पर है। काफी लंबा ये स्लाइडिंग कार है, कहीं भी बैठ जाओ, यहाँ बैठता हूँ। कैमरा संभल के पकड़ना पड़ेगा, पहले मैं पहुँच गया ऊपर, कैमरा नीचे रह गया, तो ये थोड़ी हेल्प करेंगे। ओके शीशे भैया, केबल कार चल दिए, बैठते ही 1 मिनट के अंदर। बाय बाय। तो सारी लॉक कर रहे हैं, ओके अलग अलग कर रहे हैं, अच्छा पहले ज्वाइंट था, सबको अलग कर दिए हैं। अरे लड़ा लड़ा लड़ा, ओ भाई ये तो केव आ चुका है, पहाड़ के बीच में केव, ये देखो
काफी खतरनाक एक्सपीरियंस स्लाइडिंग कार का यार। तो अभी हम लोग स्लाइडिंग कार ना ऊपर की तरफ इंक्लाइंड है, ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर एक दो घंटे रहने के बाद, पूरा घूमने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद इसी कार से नीचे भी आएंगे। इस टाइम यार बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड हो चुका है, एकदम ऐसे हो चुका है, ऐसे 45 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइनेशन होगा इस समय। पहुँच चुके हैं जहाँ पहुँचना है हम लोगों को। सबको जल्दी जल्दी उतारा जा रहा है। तो ऊपर पहुँच चुके थे, को लिखा भी है एंट्रेंस टू द ग्रेट वॉल। लगभग 10 से 15 मिनट लगा होगा इस केबल कार, नहीं क्या नाम है, स्लाइडिंग कार में। मैंने जो ऑनलाइन टिकट बुक किया था ना, उसको यहाँ पर दिखा के टिकट ले लिया है। अभी भी हम लोग कहीं बीच में ही है, स्लाइडिंग कार एकदम ऊपर लेके नहीं किया, कहीं बीच में उतारा है। पूरा यहाँ तक चल के पूरा अभी और ऊपर तक जाना है, चलते हैं जितना ऊपर हो सकता है वहाँ तक जाएंगे। वो जो टॉप पे कोई लोकेशन है, पूरी ये वॉल है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। जिधर भी आपकी नज़र जाएगी ना, कैमरे में भी उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, दूर दूर तक सब जगह से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ही बनी हुई है। ये देखो भाई, हर तरफ। तो ऐसी सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाना पड़ रहा है, सीढ़ियाँ रहने। अब हम लोग आ चुके हैं ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में। जी हाँ, ये द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 21,000 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ी है। ये इतनी लंबी वॉल है, ये कैन यू बिलीव 21,000 किलोमीटर। ये वॉल एंशियंट चाइना के हिस्टोरिकल नॉर्दर्न बॉर्डर पे बनाई गई थी। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को लेके कई सारे मिथ है। पहला मिथ ये है कि पूरा 21,000 किलोमीटर लंबी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को एक साथ बनाया गया था, बिल्कुल गलत है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनने में 2,000 साल से भी ज्यादा लगे हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि चाइना में काफी सारी डायनेस्टीज थी, काफी सारे रूलर थे, किंग थे। अलग अलग डायनेस्टीज के टाइम पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाया गया था, अलग अलग पार्ट पे। लगभग आज से 2,500 साल पहले इसका कुछ पार्ट बनना शुरू हुआ था, लेकिन चाइना की जो सेकेंड लास्ट डायनेस्टी थी मिंग डायनेस्टी, लगभग आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले, उन्होंने सबसे बड़ा काम किया था सारी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को जोड़ने का। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को इंजीनियरिंग का मार्वल बोला जाता है, क्योंकि काउंटलेस नंबर्स ऑफ लेबर्स लगे इसको बनाने में, इतने ज्यादा जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। देख सकते हो कितना ज्यादा मासिव है ये, एक छोटा सेक्शन इसका इतना ज्यादा मासिव, इतना ह्यूज है, तो बाकी तो आप सोच ही नहीं सकते कि कितना ज्यादा होगा। इस ग्रेट वॉल को एंशियंट चाइना के नॉर्दर्न बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें सिर्फ वॉल ही नहीं है, इसमें कई सारे टॉवर्स है, बैरियर्स है, बैरक्स है, फोर्ट्रेस है, और भी काफी यहाँ पर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बनाए गए हैं इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में पूरे। तो सिर्फ वॉल ही नहीं है ये, और भी बहुत सारे रीजन थे इसको बनाने के, लाइक उस टाइम की इमिग्रेशन और एमिग्रेशन को कंट्रोल करना, बिजनेस को कंट्रोल करना, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना, काफी सारे रीजन थे इस वॉल को बनाने में। तो यहाँ पर देख सकते हो यार, काफी अप एंड डाउन क्लाइंबिंग है यहाँ पे, कहीं पर ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, कहीं नीचे उतरना पड़ रहा है, कहीं पर प्लेन रास्ता है, कहीं पर सभी सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ भी कोई फिक्स नहीं है, कहीं छोटी है, कहीं बड़ी है, तो पूरा इरेगुलर स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये कोरिया के बॉर्डर से स्टार्ट हुई है ये वॉल, और चाइना के लास्ट प्रोविंस शिंगजियांग तक गई हुई है, जो कि समझ सकते हो कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर साइड है, चाइना के एक्सट्रीम वेस्ट की तरफ, यानी कि चाइना के एक्सट्रीम ईस्ट से स्टार्ट हुई है और एक्सट्रीम वेस्ट तक गई हुई है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के मटेरियल्स यूज्ड हुए थे इस वॉल को बनाने में। ज्यादातर सेक्शन इस वॉल के ब्रिक्स और कट स्टोन से बनाए गए थे, जो कि पहाड़ों से लाए गए थे, और उसको जोड़ने के लिए लाइव मोर्टार का यूज किया गया था, बोल सकते हो कुछ चूना या चूना के टाइप का कुछ वैसा। आज से 1,000-2,000 साल पहले जहाँ जहाँ पर पत्थर अवेलेबल नहीं थे, वहां पर लकड़ी भी यूज हुई थी इस वॉल को बनाने में। और ग्रेट वॉल की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है, जहां जहां पर लाइम स्टोन और लाइम मोर्टार अवेलेबल नहीं था पत्थर्स को जोड़ने के लिए, वहां पर स्टिकी राइस को यूज किया गया था। जी हाँ, स्टिकी राइस, कैन यू बिलीव, स्टिकी राइस को यूज किया गया था ये सारे पत्थर को जोड़ने के लिए। फिर भी ऑलमोस्ट सारी की सारी वॉल आज तक टिकी हुई है, कहीं कहीं पर खराब हुई है, कहीं कहीं पर धराशायी हुई है, उनको फिर से प्रिजर्व किया जा रहा, बनाया जा रहा है फिर से रिपेयर करके। जब ये ग्रेट वॉल बनाई जा रही थी, तो उस टाइम पे इसको लॉन्गेस्ट सिमेट्री ऑन अर्थ बोला जाता था, क्योंकि इस पूरी वॉल को बनाने में
1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग से भी ज्यादा को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। एंशियंट चाइना में बहुत ही कॉमन था उस टाइम पे, जो लोग क्राइम में इन्वॉल्व थे, जिनको सजा सुनाई जाती थी, उनको भेजा जाता था फिर इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने में। तो काफी सारे क्रिमिनल्स उस टाइम के इस वॉल को बनाए थे। तो ये द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मेरा 3rd 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, आफ्टर ताजमहल एंड पेट्रा इन जॉर्डन। वैसे तो मैं इजिप्ट के गीजा पिरामिड्स भी गया हूँ, लेकिन वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में नहीं आता है, वो 7 एंशियंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है। यार इतने सारे लोग मेरे को रोक रोक के सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, मैं उस समय वीडियो तो बना नहीं रहा था, मैं ही यहाँ पे सिर्फ नॉन चाइनीज लैंग्वेज बोल रहा हूँ, उस समय यहाँ पे चाइनीज ही बात कर रहे हैं। एक और ही बहुत ही कॉमन मिथ है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को लेके, कि ये ग्रेट वॉल यूनिवर्स से, स्पेस से और मून से नेकेड आई से दिखता है। ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। ये ग्रेट वॉल को आप लोग स्पेस और मून से नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। ये मिथ आज से लगभग 100-150 साल पहले स्टार्ट हुआ था, जब कोई भी ह्यूमन स्पेस और मून पे नहीं गया था। आपको उतने डिस्टेंस से देखने के लिए आप लोगों को टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। हेलो हेलो, ये वॉल भाई इतनी ज्यादा लंबी, इतनी मासिव है कि वॉल के आप कोई भी सेक्शन में खड़े हो जाओ ना, दूर दूर तक जहां भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ वॉल ही दिखेगी। देख सकते हो हर तरफ भाई वॉल ही वॉल दिख रही, इतनी लंबी वॉल है। ये देखो, इस साइड चाइना का साउथ है और इस साइड चाइना का नॉर्थ है। तो नॉर्थ और साउथ की वॉल डिवाइड करती है चाइना के नॉर्दर्न बाउंड्री में। यहाँ पर हम लोग इतनी हाइट पे आ चुके हैं ना कि इतनी तेज हवा चल रही है कि मेरे को कई जगह बैठ के व्लॉगिंग करना पड़ रहा है, नहीं तो फिर आप लोगों को मेरी आवाज़ कम और हवा की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। ये बोल रहे भाई आपका गोप्रो, मैंने कहा मैं अपना गोप्रो घर पे भूल गया हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ इस वजह से, इतनी दूर से मैं मेहनत करके आया गोप्रो लाना भूल गया। एक और ही बहुत ही पॉपुलर मिथ है इस वॉल को लेके, कि इस वॉल को मंगोल्स और चिंगिस खान से चाइना को बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। चाइना के पहले इंपीरियल किंग के द्वारा ये वॉल को बनाना और जोड़ना शुरू किया गया था अराउंड 200 BC में। उस समय मंगोल एम्पायर था ही नहीं। 880 के आसपास मंगोल एम्पायर शुरू हुआ और चिंगिस खान तो उसके कई सेंचुरीज के बाद आए थे। बोल सकते हो कि चिंगिस खान के आने से भी 1000 साल पहले ये वॉल बन के तैयार हो चुकी थी। तो आप देख सकते हो ये वॉल है और ये वॉच टावर है, तो पूरे वॉल सेक्शन में यार हजारों वॉच टावर देख रहे हो, जहाँ जहाँ पे पीक है ना वॉल का, वहाँ पे पूरा वॉच टावर बना हुआ है। चाइना के फार ईस्ट में या फार नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं, उस रीजन में ना मैंचूस एथनिक के लोग रहते हैं, जहाँ से मैंचूरियन वर्ड आया बोल सकते हो। सेकेंड लास्ट डायनेस्टी जो मिंग डायनेस्टी थी, जिन्होंने इसको मेजरली बनाया था, तो मैंचूस ने काफ़ी ट्राई किया था यार पूरे चाइना के ऊपर कब्जा करने का, रूल करने का, अटैक करने का, लेकिन वॉल की वजह से कर नहीं पा रहे थे। तो उनके उस रीजन में ना, जो फार ईस्ट रीजन में कोई जनरल थे, कोई गार्ड थे, उन्होंने गलती से या जानबूझ के जो भी रीजन था एक पोर्शन खोल दिया वॉल का। तो फिर उसके बाद मैंचूस ने यहाँ के मेन लोगों के ऊपर, चाइनीज लोगों के ऊपर और मिंग के ऊपर अटैक कर दिया और पूरे चाइना के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो जब मैंचूस ने यहाँ पे कब्जा किया तो उसको बोलते थे चिंग डायनेस्टी। इंग्लिश में किंग लिखेंगे QING, लेकिन पढ़ेंगे चिंग। चाइनीज लैंग्वेज में ना क्यू को CH पढ़ा जाता है और एक्स को SH पढ़ा जाता है। तो एक्स शाह बोलेंगे, क्यू को चा बोलेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने कई जगह लास्ट डायनेस्टी को किंग बोला, लेकिन वो किंग नहीं था, वो चिंग था एक्चुअली, मुझे पता था लेकिन कई जगह मैं भूल जा रहा था। तो चाइना की लास्ट डायनेस्टी चिंग डायनेस्टी थी, जो कि मैंचूस की थी। उसके बाद ही फिर रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, लगभग आज से 100 साल पहले। मैं तो बीजिंग से अपने वाटर बॉटल में पानी और कुछ स्नैक्स खाने को लेके आया हूँ। अगर लेके नहीं भी आते, यहाँ सब कुछ मिल रहा है, पानी मिल रहा है, खाने पीने का मिल रहा है, थोड़ा महंगा मिलेगा क्योंकि काफ़ी ऊपर है, हाइट पे, दूर है, टूरिस्टी जगह है, लेकिन सब कुछ मिल जाएगा। तो देखो ये 30-30 रुपये में ये फोटो और सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो मैंने अभी यहाँ बनवाया है, तो इस टाइप के फोटो खिंचवा सकते हो यहाँ पर, और ये सर्टिफिकेट मिलेगा आपका नेम और डेट के साथ कि आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना गए थे। 300 रुपये में 360 रुपये हो गए, सॉरी 30 युआन में 360 रुपये हो गए। तो ये देखो इनकी यहाँ पे मशीन है, पूरी प्रिंटिंग मशीन है, तो यहीं पर इंस्टेंट इन लोग फोटो खींच के सर्टिफिकेट बना के दे देंगे आपको विद इन 1 मिनट। तो देखो भाई ये 20 युआन का दे रहे हैं, बहुत ही मोटा गोल्डन कार्ड है, ये मेटल का है, गोल्ड कलर का प्लेटेड है ये, उस पर ये तुरंत आपका नाम इंग्लिश नेम लिख के देंगे, चाइनीज हो चाइनीज नेम, इंग्लिश नेम आपको तुरंत लिख के देंगे 20 युआन में। सोचा मैं ले ही लूँ यार एज अ मेमोरी टाइप का। ओके वन नेम ओके
तो ये देखो जितने लोगों ने अपना नाम लिखवाया है सब चाइनीज ही हैं, लोकल ही हैं, चाइना के। सिर्फ मैं ही लौटता यहाँ पे टूरिस्ट हूँ जो बाहर का है। मेरी हैंडराइटिंग काफ़ी ख़राब है। तो दो दो सोनियर ले चुका हूँ, एक 30 का एक 20 का, ये अपना बन के रेडी हो चुका है ये कार्ड, गोल्डन कार्ड। और टाइम है वापस वही स्लाइडिंग चेयर, स्लाइडिंग कार जो भी बोलते हैं उसको लेके नीचे वापस जाने का। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में, यार जब मैं बहुत छोटा था स्कूल में था, याद नहीं क्लास 4, 5, 6 या 7 रिजल्ट याद नहीं है, किसी क्लास में हिस्ट्री में पढ़ा था इस वॉल के बारे में। कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि कभी मैं चाइना जाऊंगा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को विटनेस करूंगा। बट पिछले 4-5 साल में एक ख्याल आया मन में कि भाई अब जाने का टाइम आ चुका है, लेकिन फिर किसी रीज़न से आना नहीं हो पाया। अभी पैंडेमिक आ गया, फाइनली इतने सालों बाद फाइनली ये विश लिस्ट पूरी हुई है, इस विश लिस्ट पे टिक मार्क लगा है, तो फिर से बैठ चुका हूँ इस स्लाइडिंग कार में। यहाँ पे यार आप नीचे आते ही इतनी सारी शॉप्स है सुवनियर्स की, लेकिन कोई भी आपको फोर्स नहीं कर रहा, कोई इवन बोल तक, कोई बुला तक नहीं रहा है कि आप मेरे यहाँ से कुछ खरीदो। इंडिया होता, इवन इजिप्ट और जॉर्डन के पेट्रा में भी लोग आपको काफ़ी फोर्स करते हैं, बुलाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, कोई आपको पूछ तक नहीं रहा है, खुद से आओ, लेना लो, नहीं लेना तो कोई बात ही नहीं। ये चीज़ बहुत सही है। और एक चीज़ और बहुत सही लगा, अनलाइक इंडिया का ताजमहल और इजिप्ट के गीज़ा का पिरामिड, यहाँ पर लोकल और फॉरनर के लिए एंट्रेंस फ़ी बराबर है। हमारे यहाँ तो बहुत डिफरेंस है लोकल्स और फॉरनर्स के लिए, इजिप्ट में भी काफ़ी डिफरेंस है लोकल्स और फॉरनर्स के लिए, काफ़ी कंट्रीज़ में होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, दोनों के लिए बराबर है यहाँ पे फ़ी। ये काफ़ी सही चीज़ है यहाँ पे चाइना में। मैं तो निकल रहा हूँ वापस, बीजिंग जा रहा हूँ। कितने लोग आ रहे हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई, कितने सारा रश है, कितने सारा टूर ग्रुप है यहाँ पे हर तरफ। जिधर आपकी नजर आएगी सिर्फ टूर ग्रुप ही है, लोग घूमने ही आ रहे हैं यहाँ पे। तो अब सेम मैं बस नंबर 877 लेके वापस बीजिंग जा रहा हूँ। सो गाइस अभी मैं उस जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पर मेरे को कल आने नहीं दिया गया था बिना प्रायर अपॉइंटमेंट के। तो अभी मैं हूँ बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में। इस स्क्वायर को बहुत सारे सोर्सेस वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिटी स्क्वायर बोलते हैं, अगर लार्जेस्ट नहीं भी बोलेंगे तो वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी स्क्वायर इन द वर्ल्ड आता है ये तियानमेन स्क्वायर। इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसके अंदर 60 फुटबॉल ग्राउंड आ सकते हैं, इतना ज़्यादा बड़ा है ये। और इसके अंदर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग से भी ज़्यादा आके यहाँ पे खड़े हो सकते हैं एक टाइम पे। आज हल्की हल्की बारिश हो रही है तो स्क्वायर खाली पड़ा हुआ है। उस दिन मैं आया था बहुत ज़्यादा रश था, बारिश की वजह से काफ़ी कुछ खाली हो चुका है क्योंकि पिछले 2-3 घंटे से बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर आने के लिए अब इन्होंने रिसेंटली एक नया रूल कर दिया है कि आपको एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा यहाँ पर आने के लिए, उसका भी टाइम स्लॉट है, उस टाइम स्लॉट पे ही आप यहाँ पर आ पाओगे। तो अपॉइंटमेंट भी नॉर्मली ऐसे बुक नहीं होता, वी चैट पे बुक होता है, वी चैट चाइना का एप्लीकेशन है। काफ़ी टाइम पहले वी चैट इंडिया में भी यूज़ होता था, फिर बैन कर दिया गया, लेकिन पूरे चाइना में वी चैट सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। मतलब कि इन्होंने ऐसा कर दिया है कि एक ही एप्लीकेशन से आप अपनी लाइफ का हर एक काम कर सकती हो, चैटिंग, कॉलिंग, टैक्सी ऑर्डर, रेस्टोरेंट कहीं की बुकिंग, शॉपिंग करना, कोई भी वेबसाइट से कोई टिकट परचेस करना, ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट, यानी कि आप जो काम सोच सकते हो सारे काम इन लोगों ने सिर्फ एक ही चैट के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है, वी चैट के अंदर। तो इधर ये चाइना का नेशनल म्यूजियम है और इधर ये चाइना का पार्लियामेंट है। जी हाँ, लोकल लोग ने यार बस अपॉइंटमेंट लिया, यहाँ पे आईडी दिखा के अपनी चले आए, लेकिन जब मैं यहाँ पे एंट्री लिया ना, मेरा अपॉइंटमेंट चेक किया गया, उसके बाद मेरा पासपोर्ट चेक किया, उसके बाद मेरा वीज़ा चेक किया गया, उसकी फ़ोटो खींचे, तब मेरे को यहाँ पे अंदर आने दिए। इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्क्वायर है ये चाइना के लिए, चाइना के हिस्ट्री के लिए। और यहाँ पे ये म्यूजियम है माओ ज़ेडुंग का, जो कि PRC यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के फाउंडर थे। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में स्टैब्लिश हुआ था, आज से 74 ईयर्स पहले। उस समय माओ ज़ेडुंग चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन हुआ करते थे, उन्होंने बनाया था PRC को। इस साइड उनकी फोटो भी लगी हुई है, पास जाके दिखेगा, यहाँ से बहुत दूर है। इतना बड़ा स्क्वायर है कि एक तरफ खड़े हो जाओ ना तो दूसरा एंड तो भाई ठीक से दिख ही नहीं रहा, इतना ज़्यादा बड़ा स्क्वायर है। देख लो भाई कितने सारे लोग यहाँ पे फोटोग्राफी आके कराते हुए। इस टियानमेन स्क्वायर पे इतना सिक्योरिटी होने का रीज़न ये है कि ये स्क्वायर बहुत सारे हिस्टोरिक इवेंट्स का केंद्र रहा है। यहाँ पे कई सारे पॉलिटिकल इवेंट्स, प्रोटेस्ट और डिमोन्स्ट्रेशन हो चुके हैं और होते भी रहते हैं। 1989 पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा टियानमेन स्क्वायर पे वर्ल्ड फेमस प्रोटेस्ट हुआ था। इसकी हिस्ट्री आप तो चाहे तो पढ़ सकते हो, मैं ज़्यादा बता नहीं सकता वीडियो में। चाइनीज लैंग्वेज में टियानमेन का मतलब होता है गेट ऑफ हेवनली पीस। देखो ये बहुत बड़ा गेट है, ये है टियानमेन गेट। इसी गेट पे PRC के फाउंडर माओ ज़ेडुंग की फोटो लगी हुई है, बहुत बड़ी पोर्ट्रेट लगा हुआ है। और ये टियानमेन गेट
चाइना का नेशनल सिंबल है चियानमेन गेट पे, जो चेयरमैन माओ की फ़ोटो लगी हुई है इनके फाउंडर की। कुछ साल पहले यहाँ पे जो एथनिक माइनॉरिटीज़ के लोग थे, अलग माइनॉरिटीज़ के लोग थे, उन लोग यहाँ पे यार कोई तरह आके इनके ऊपर इंक, काला इंक डाल दिया और शायद एक बार आग भी लगा दिया था। तो इस वजह से भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी रखी गई है ताकि वो सारे इवेंट्स दोबारा ना हो, और आईडी चेक की जाती है बकायदा ताकि कितने लोग आ रहे हैं सबका प्रूफ उनके पास रहे, कभी उनको ट्रेस कर सके।